नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सावन की अंतिम सोमवारी पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने सुल्तानगंज पहुंचे सिटी एसपी, पुलिस कर्मियों को कड़ी निगरानी का दिया निर्देश। कुख्यात अपराधी वर्जेश यादव को पुलिस ने किया गिरफ्तार, हत्या समेत कई मामलों में चल रहा था फरार। तिनटंगा दियारा में कटाव से भयभीत ग्रामीण कर रहे हैं रतजग्गा, लोगों ने कटाव निरोधी कार्य में अनियमितता बरतने का लगाया आरोप। और जनता के बीच पकड़ बनाने के लिए जाप ने प्रदेश कमेटी का किया विस्तार। अब खबरें विस्तार से। सुल्तानगंज में श्रावणी मेला की अंतिम सोमवारी को लेकर की जाने वाली तैयारियों का जायजा लेने बुधवार को भागलपुर सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात अज कैवीनाथ गंगा घाट पहुंचे, जहां मेला क्षेत्र के सभी सहायक थाना का निरीक्षण करते हुए सिटी एसपी ने पुलिस अधिकारियों और जवानों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं इसको लेकर सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन मुस्तैद है और कांवरियों समेत तमाम शिव भक्तों को कहीं भी किसी प्रकार की परेशानी ना, इसको ध्यान में रखकर सभी जगहों पर प्रशासनिक स्तर पर व्यापक इंतजाम किया गया है। साथ ही उन्होंने पुलिस अधिकारियों को गंगा घाट समेत कांवरिया पथ और मेला क्षेत्र में कड़ी निगरानी करने का निर्देश दिया। रिव्यू के लिए हम लोग आए हुए थे और हम लोगों ने अभी मंदिर का परिसर का निरीक्षण किया है, दोनों घाट घूमे हैं और जल स्तर बढ़ने के कारण बैरिकेडिंग की में कहीं समस्या नहीं है, इन सारी चीज़ों को देखा गया है और सभी जगह व्यवस्था ठीक है, सभी जगह बल प्रतिनियुक्त है। और भी हम लोग जाएंगे तारापुर के साइड। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड में दहशत का पर्याय बन चुके कुख्यात अपराधी वर्जेश यादव को सुल्तानगंज थानाध्यक्ष लाल बहादुर के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इसको लेकर भागलपुर डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर गौरव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का जानकारी देते हुए बताया कि हत्या समेत कई आपराधिक मामले में पुलिस वर्जेश यादव की तलाश कर रही थी और उसके कारण चार थाने के इलाके में लोगों के बीच दहशत का माहौल था। डीएसपी ने कहा कि वर्जेश यादव की गिरफ्तारी एक बड़ी सफलता है जिससे आपराधिक गतिविधियों में कमी आएगी, जबकि पूछताछ के बाद कई अन्य आपराधिक मामलों का भी खुलासा संभव है। डीएसपी गौरव कुमार ने कहा कि दो दिन पूर्व पटेल नगर में हुई हत्या के मामले में वर्जेश मुख्य आरोपी है, जबकि इसके अलावा शाहपुर थाना क्षेत्र के डबल मर्डर केस में वर्जेश यादव को अभियुक्त बनाया गया था। साथ ही कहा कि अकबर नगर में ओवरटेकिंग के दौरान ट्रक चालक से हुए विवाद में वर्जेश कुमार ने गोली चलाई थी जिसमें ट्रक चालक और खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद इलाज के दौरान ट्रक चालक की मौत हो गई थी। सुबह के समय 29 तारीख को एक हत्या हुई थी और वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए एसएचओ सुल्तानगंज को निर्देशित किया गया था कि शीघ्र अतिशीघ्र उसको गिरफ्तार किया जाए और 1/8/22 को इस सफलता मिली और ब्रजेश यादव को गिरफ्तार किया गया। ब्रजेश यादव ने सुमंत कुमार को गोली मारी थी और सुमंत कुमार मृतक का मोबाइल भी ब्रजेश यादव के पास मिला। उसके साथ साथ ब्रजेश यादव का जब अनुसंधान के क्रम में पाया गया कि इसका आपराधिक इतिहास भी है, ये इसके पहले दो मर्डर जो केस में ये इन्वॉल्व है, शाहकुंड में डबल मर्डर इसने किया था, शाहकुंड में दिनांक 20/4/21 को राहुल कुमार और रुपेश कुमार का इसने मर्डर किया था और ये जो विवाद था वो बालू के उठाव के लिए विवाद था। और अकबर नगर थाना कांड संख्या 11/22 में 17/2/22 को रोड रेज का मामला था जहाँ पे ये लोग भागलपुर से लौट रहे थे, स्कॉर्पियो में बैठे हुए थे और जाम लगने के क्रम में ट्रक ड्राइवर को जो कि भोला यादव और अनिल यादव थे इनके ऊपर इन्होंने गोली चलाया था और भोला यादव और अनिल यादव को मायागंज अस्पताल रेफर किया गया और ट्रीटमेंट के क्रम में भोला यादव जो है वो मर गए। नवगछिया गोपालपुर प्रखंड के सीमावर्ती तीनटंगा दियारा में झल्लू दास और ज्ञानी दास टोला में पिछले कई दिनों से हो रहे कटाव के कारण ग्रामीण भाई के माहौल में जीवन जीने को विवश है। कटाव को लेकर के यहां फ्लड फाइटिंग के तहत किए जा रहे बैम्बू रोल का कार्य भी पूरी तरह फेल होता दिख रहा है, जिससे ग्रामीणों को पिछले वर्ष की तरह घर और जमीन कटने का डर सताने लगा है। वहीं कटाव की समस्या को लेकर ग्रामीण सुदामा दास, मुकेश दास और त्रिवेणी दास समेत कई ग्रामीणों ने कहा कि गंगा का जलस्तर बढ़
लगने से तेजी से कटाव होना शुरू हो गया है, जबकि कटाव निरोधी कार्य में भी काफी अनियमितता बढ़ती जा रही है। मुखिया गणेशी दास मंडल ने कहा कि यहाँ कटाव निरोधी कार्य में भारी अनियमितता देखी जा रही है और वे सभी ग्रामीण अपने सांसद, विधायक, जिला और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी एवं विभाग के इंजीनियर से कई बार युद्ध स्तर पर कार्य करने की मांग कर चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके कटाव की समस्या बढ़ती जा रही है और कई घर भी नदी में समा चुके हैं। हाल यह है कि कटाव के भय से ग्रामीण रज्जका कर रहे हैं, जबकि कुछ दिन पूर्व ही अधीक्षण अभियंता द्वारा यहाँ बैम्बू रोल डालने का निर्देश देने के बाद भी प्रशासन की ओर से किसी तरह की राहत नहीं मिल रही है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले साल भी 50 घर कटाव के कारण नदी में विलीन हो गए थे और वही डर उन्हें फिर से सताने लगा है। इधर विभाग के अधीक्षण अभियंता का कहना है कि गंगा के जलस्तर में वृद्धि हुई है और कटाव को देखते हुए मुख्य अभियंता के साथ उन लोगों ने तटबंध का निरीक्षण भी किया है। उन्होंने कहा कि दिन हो या रात सभी जगहों पर फ्लड फाइटिंग के तहत कार्य करना है, इसके लिए आवश्यक निर्देश भी अधिकारियों और कर्मियों को दे दिया गया है। हाँ हाँ, हमारे परिवार है, तीन भाई है। तीनों भाई कैसा अभी कैसा रह लो छो? है कैसा है जी? बाहर में सुते थे। आर की परेशानी? परेशानी डोमनिया घर में सुते थे। आर कौन जी बोले? खाए पिए में दिक्कत? खाए पिए में वही रहे थे। प्रशासन से कोई मदद? वो मदद कटाव यहाँ आयो छो? हाँ कटा देखी काटी दी थी। जनता के बीच पकड़ बनाने के लिए पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत कई बड़े बदलाव भी किए गए हैं। जन अधिकार पार्टी ने अपनी प्रदेश कमेटी का विस्तार करते हुए इस बार कई पुराने और नए कार्यकर्ता पर भरोसा जताया है। जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के निर्देश पर 10 राज्य कार्यकारिणी के सदस्य, 13 प्रदेश उपाध्यक्ष, 56 प्रदेश महासचिव और 106 प्रदेश सचिव बनाए गए हैं। पार्टी ने भागलपुर आसानंदपुर निवासी सैयद ग्रागी हसन पर भरोसा जताते हुए एक बार फिर प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं दोबारा प्रदेश सचिव बनाए जाने पर सैयद राघव हसन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव, प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र कुशवाहा और पार्टी से जुड़े वरिष्ठ नेताओं को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में पार्टी को संगठनात्मक मजबूती प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। सैयद राघव ने पार्टी हित में ईमानदारी के साथ कार्य का निर्वाह करने की बात कही। इधर दोबारा प्रदेश सचिव बनाए जाने पर सैयद राघव को जिला अध्यक्ष नीरज कुमार, सचिव सैयद नासिर हुसैन समेत कई नेता और पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता ने बधाई दी। विश्व स्तनपान सप्ताह को लेकर JNMCH के इंटर्न डॉक्टरों की टीम ने नाथनगर रेफर अस्पताल के महिला वार्ड में प्रसूति माताओं को स्तनपान का महत्व समझाया। इस दौरान रेफर अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर अनुपमा सहाय और JNMCH कम्युनिटी मेडिसिन के ट्यूटर डॉक्टर राकेश कुमार ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रसव के तुरंत बाद से 6 माह तक नवजात शिशु को सिर्फ माँ का दूध पिलाना चाहिए, जबकि इसके बाद कम से कम 2 साल तक पोषाहार के साथ बच्चे को माँ का दूध पिलाना जरूरी है। चिकित्सकों ने कहा कि सिर्फ माँ का दूध शिशु को रोगों से लड़ने में सहायक होने के साथ शिशु को पूरा पोषण देता है, जबकि इसके अलावा बच्चे के संपूर्ण मानसिक और शारीरिक विकास में भी सहायक होता है। माँ का दूध एक प्रकार से बच्चों के लिए पहला टीका का काम करता है और इससे बच्चों की IQ भी बढ़ती है। मौके पर JNMCH के डॉक्टर शुभम कुमार और उनकी टीम के अलावा रेफर अस्पताल के चिकित्सक और कई स्वास्थ्य कर्मी मौजूद थे। आज से विश्व स्तनपान सप्ताह का शुरुआत है, 1 तारीख से 7 तारीख तक अगस्त महीने में ये विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। इस अवसर पर भागलपुर मेडिकल कॉलेज से, PSM डिपार्टमेंट से हमारे पोस्ट ग्रेजुएट जो हैं और कुछ डॉक्टर्स हैं, इंटर्न हैं, हमारे वहाँ के डॉक्टर्स आए। इसके अलावा जितने भी पेशेंट भर्ती है सबको विश्व ये स्तनपान सप्ताह के बारे में बताया गया। विश्व स्तनपान दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग इस अस्पताल में आए। हम लोग JNMCH भागलपुर के इंटर्न डॉक्टर्स हैं, मैं वहाँ पे ट्यूटर के पद पे कार्यरत हूँ। चूँकि ये अस्पताल हमारे RSTC भी है, रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर भी है, हमारे कम्युनिटी मेडिसिन के डिपार्टमेंट के ये RSTC सेंटर है। पूरे विश्व में 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है, उसी के उपलक्ष्य में आज हमारे इंटर्न डॉक्टर्स यहाँ पर आकर लोगों को जागरूक करने की एक मुहिम चलाए हैं, ताकि कोई बच्चा विश्व में ऐसा ना हो जो माँ के दूध के बिना रह जाए। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फॉरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क TV। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बच्चा
तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और जिंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर में देसी अखाड़ा की ओर से आगामी 6 अगस्त से बिहार स्टेट पावर लिफ्टिंग बेंच प्रेस एंड डेडलिफ्ट चैंपियनशिप का आयोजन भागलपुर के जैन धर्मशाला में किया जाएगा। 2 दिवसीय चैंपियनशिप में जूनियर एवं सीनियर महिला एवं पुरुष वर्ग के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम का आयोजन पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन ऑफ भागलपुर के द्वारा किया जा रहा है। वहीं इसको लेकर बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समाजसेवी कुणाल सिंह सर्राफा, व्यवसायी जितेंद्र वर्मा और भागलपुर पावर लिफ्टिंग एंड बॉडी बिल्डिंग के सचिव अमित कुमार भारती ने चैंपियनशिप की तैयारी से जुड़ी जानकारी दी। समाजसेवी कुणाल सिंह ने कहा कि इस खेल प्रतियोगिता में बिहार के 33 जिलों के 300 खिलाड़ी शिरकत करेंगे, जबकि प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी अगले माह के 18 सितंबर को चेन्नई में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग ले सकेंगे। लिफ्टिंग बेंच प्रेस एंड डेड लिफ्टिंग चैंपियनशिप करा रहे हैं, ये पूरे बिहार का मीट है। पूरे बिहार से लगभग 300-350 बच्चे बच्ची आएंगी और हम लोग ये आयोजन हो रहा है जैन धर्मशाला में, जो स्टेशन के सामने जैन धर्मशाला, वहाँ हम लोग आयोजन करा रहे हैं। 5 तक सारी टीम आ जाएगी, 5 तक रात तक, 6 और 7, 2 दिन हम लोग का ये आयोजन होने वाला है कंपटीशन का। और ये फर्स्ट टाइम इन भागलपुर हो रहा है, 23वां ये बिहार का है। और इससे पहले 2 बार डिस्ट्रिक्ट हम लोग करवा चुके हैं और बॉडी लिफ्टिंग भी एक बार करवा चुके हैं, और इस बार फर्स्ट टाइम भागलपुर को मौका मिला है बिहार स्टेट पावर लिफ्टिंग का आयोजन कराने का। कोरोना के नए मामले सामने आने से लोगों में एक बार फिर से कोरोना का खौफ दिखने लगा है। ऐसे में बच्चों को कोरोना का टीका लगवाना बेहद जरूरी है। गौरतलब है कि कोविड नियमों का पालन और टीकाकरण ही इसका बचाव है। इसी को ध्यान में रखते हुए भागलपुर सबौर स्थित आनंद पब्लिक स्कूल में बुधवार को कोविड टीकाकरण कैंप लगाया गया। शिविर में 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को वैक्सीन दिया गया। प्रिंसिपल डॉक्टर नवज्योति रंजन वर्मा ने बताया कि सबौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मियों ने स्कूल परिसर में कैंप लगाकर लगभग 150 बच्चे के अलावा 40 अभिभावक, शिक्षक और अन्य कर्मियों का टीकाकरण किया। इसके पूर्व विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर नवज्योति रंजन वर्मा और सिस्टम मैनेजर मयूर आनंद ने बूस्टर डोज लेकर शिविर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर डॉक्टर नवज्योति ने कहा कि कोरोना टीकाकरण में जब सबका सहयोग होगा तभी हमारा समाज सुरक्षित रहेगा, क्योंकि देश में कोरोना महामारी का प्रकोप अभी खत्म नहीं हुआ है। प्राचार्य ने कार्यक्रम की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए संयोजक सुजीत कुमार झा समेत सभी कर्मियों को धन्यवाद दिया। आज आनंद पब्लिक स्कूल में कोरोना के टीकाकरण का अभियान चलाया गया 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। ये कार्यक्रम काफ़ी सफल रहा, इसमें तकरीबन 150 बच्चों ने टीका लिया और इसके अतिरिक्त करीबन 40 के लगभग हमारे विभिन्न अभिभावकों ने, शिक्षकों ने टीका लिया। मैंने खुद भी बूस्टर खुराक लिया। ऐसे कार्यक्रम जरूरी हैं कोरोना के प्रभाव को रोकने के लिए और ऐसे कार्यक्रम को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को लेकर देश भर में मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के अवसर पर बुधवार को आसरा संस्थान की ओर से आत्मरक्षा प्रशिक्षण के लिए भागलपुर नया बाजार स्थित रामजन कन्या मध्य विद्यालय में 7 दिवसीय मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान स्कूल के छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग के अंतिम दिन प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्रशिक्षण के समापन कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों ने छात्राओं को प्रमाण पत्र देते हुए कहा कि इस प्रकार की ट्रेनिंग से बालिकाओं को आत्मरक्षा में मदद मिलेगी, जबकि इच्छुक छात्राएं इस क्षेत्र में अपना करियर बना सकती है। वहीं संस्था के अध्यक्ष लवचंद्र कोठारी ने कहा कि बालिकाओं को आत्मरक्षा के लिए सक्षम बनाना ही इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। मौके पर कार्यक्रम संयोजक विनय जया और पीयूष के अलावा काफी संख्या में विद्यालय की छात्राएं मौजूद थी। राजकीय मध्य कन्या विद्यालय नया बाजार में हम लोग आश्रा की तरफ से एक हफ्ते का यहाँ पर प्रोग्राम रखे थे, जो आज़ादी के 75वें वर्ष में हम लोगों ने ये चीज़ सोचा कि जो स्कूल के जो बच्चे हैं वो अगर आत्मरक्षा अगर अपने आप से अगर कर सके तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती है। इसलिए हम लोगों ने एक हफ्ते का जो है कराटा क्लास रखा। इसी बीच हम लोगों ने इसमें डेंटल क्लिनिक भी लगवाए, इसमें हम लोगों ने ENT का भी चेकअप करवाया। काफ़ी बच्चों के कानों में प्रॉब्लम आया, काफ़ी बच्चों के कान में छेद आया। हम लोग अभी उनके गार्जियन से भी मुलाकात करेंगे। गार्जियन से मुलाकात करने के बाद में हम लोगों को अगर ऐसा लगेगा कि गार्जियन सक्षम नहीं है तो हम लोग अपनी संस्था के माध्यम से उनका ऑपरेशन भी करवाएंगे। और बहुत जल्दी हम लोग एक और कैंप लगाने वाले हैं आँख के लिए, आँख चेकअप के लिए कैंप लगाने वाले हैं। और अंत में चलते चलते फिर से एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। सावन की अंतिम सोमवारी पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने सुल्तानगंज पहुंचे CTSP पुलिस कर्मियों को कड़ी निगरानी का दिया निर्देश। कुख्यात अपराधी वर्जेश यादव को पुलिस ने किया गिरफ्तार, हत्या समेत कई मामलों में चल रहा था फरार। तिनटंगा दियारा में कटाव से भयभीत ग्रामीण कर रहे हैं रतजग्गा, लोगों ने कटाव निरोधी कार्य में अनियमितता बरतने का लगाया आरोप। और जनता के बीच पकड़ बनाने के लिए जाप ने प्रदेश कमेटी का किया विस्तार। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।